एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार, शुक्रवार ही है ना आज? हाँ, आज दिन है शुक्रवार और डेट है 30, कल है 31 दिसंबर, साल का लास्ट दिन। तो टाइम हो रहा है 11:30 बजने वाले हैं और मेरा सुबह का सारा काम हो गया है। और आज से ना बच्चों की छुट्टी भी पड़ गई है, गोलू का लास्ट पेपर था और गोलू का पेपर हो गया, परी की छुट्टी पड़ गई, दोनों की। 16-17 तारीख को खुलेंगे। और गाइज, आज है मेरा सोल्ट फ्री डे। आप लोग सोच रहे होंगे सोल्ट फ्री डे क्या है, तो 32 बार फार्मूले में अगर आप हफ्ते में एक दिन सोल्ट फ्री डे करते हो ना, तो बोल रहे थे ऐसे भारद्वाज सर जो है, भारद्वाज पता नहीं उनका नाम, स्वीकार, हाँ स्वीकार भारद्वाज हैं, तो मैं बोल रहे थे अगर हफ्ते में आप एक दिन सोल्ट फ्री रहते हो ना, बिना नमक का खाना खाते हो, तो आपका वजन एक दिन में 2 से 3 किलो कम होगा। मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं, जब 32 बार कर ही रहे हैं। और 32 बार को ना मैं मजाक में नहीं ले रही हूँ, जैसे बहुत लोग मजाक मजाक में कर रहे हैं ना, लेकिन मैं नहीं, मुझे ये है कि मुझे अपना वेट कम करना है तो कम करना है, और हो भी रहा है। तो आज मेरा सोल्ट फ्री डे है, मैं आज बिना नमक के रहूँगी, देखती हूँ कैसे क्या करती हूँ। और मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरा ये पहला डे है सोल्ट फ्री। तो अभी तक मैंने सुबह से कुछ नहीं लिया है, बस मैंने वही अपना सुबह आज अजवाइन का और मेथी का पानी बनाया था और एक ग्रीन टी ली हूँ, और अभी तक मैंने फ्रूट भी नहीं लिया है। तो बस मैं अपने लिए अब फ्रूट काटूंगी और उसको खाऊंगी और फिर देखती हूँ दिन में क्या बनाऊंगी अपने लिए। तो चलिए आज बने रहिए मेरे साथ आप शाम तक का, मैं ना आज आपको पूरा रूटीन दिखाऊंगी अपना, मैं क्या क्या खाऊंगी आज सोल्ट फ्री में और कैसे क्या रहता है। और आज के दिन आपको पानी ना बहुत ज़्यादा पीना है, बहुत ही ज़्यादा, 2 से 3 लीटर। तो मैंने तो 1 लीटर पानी पी भी लिया है सुबह से अब तक। तो चलिए मैंने अपने लिए फ्रूट काट लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लग रही है मुझे, चलिए काट लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये काट लिया है पपीता और एक एप्पल। तो चलिए मैं इसको खाती हूँ बैठकर। नमक नहीं डाला है, और सोच रही थी कहीं गलती से डाल ना दूँ नमक, लेकिन नहीं, नमक नहीं डाला है। तो चलिए बैठकर खाती हूँ, हीटर के आगे ठंड लग रही है। तो देखिए गाइस, यहाँ टाइम आ जाता है दोपहर के लंच का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन के चीले। मैंने ना 2 प्याज ली थी और 2 ही टमाटर लिए थे, खूब बड़े बड़े, और हरा धनिया खूब सारा, और हरी मिर्ची, और ये ना मैंने एक गाजर ली थी, मैंने कहा इसको भी डाल देते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी चीले बेसन के। और बच्चों से पूछा क्या खाओगे, तो बच्चे भी बोले हम भी यही खा लेंगे, इनके पापा तो आते नहीं हैं, कभी आ जाते हैं कभी नहीं, तो बस मैंने सबके लिए चीले ही बना लिए थे। तो बस मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, थोड़ा सा वो मसाला डाला है, और थोड़ी सी हल्दी डाली है। और मैं ना अपने लिए बिना नमक का निकाल लूँगी और फिर इनके लिए नमक डाल दूँगी, क्योंकि मेरा सोल्ट फ्री डे है। तो मैं बहुत ध्यान से काम कर रही थी कि सारे में नमक ना डाल दूँ, तो बस मैंने अपना निकाल लिया है, और मैं पहले बच्चों को दे दूँगी बनाकर और फिर मैं खाऊँगी। और ये ना मुझे देखो गाढ़ा लग रहा था, फिर मैंने ना इसमें बाद में पानी डाला था थोड़ा सा, फिर अच्छे बने थे ये, थोड़ा मोटा सा बन गया था क्योंकि ये ना गाढ़ा हो रहा था, सब्ज़ी भी ज़्यादा थी इसमें, तो फिर ना मैंने बाद में थोड़ा सा पानी डाला, फिर जाके अच्छे बने थे। तो बस मैं पहले बच्चों को दे दूंगी बनाकर। ये देखिए, ये मैंने अपना भी बना लिया है, वो मैंने इनको दे दिए थे, तो ये मेरा अपना है, थोड़ा मैंने हैवी सा बनाया था, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और ये देखिए, ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, एक चीला लिया है, और मूली और गाजर काट ली है, और थोड़ी सी मैंने ली थी दही आज, मैंने कहा चलो दही के साथ खाते हैं। तो चलिए गाइस, मैं खा लेती हूँ खाना, दही खाते हुए ना डर लग रहा है। तो चलिए खा के देखती हूँ बिना नमक का कैसा लगता है। और सलाद ले ली है, और टाइम हो रहा है कितने बज गए, 2 बज रहे हैं। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, देखते हैं खा के कैसा लगता है। फीका फीका लग रहा है, तो मैं कैसे लगाऊं, इन्होंने तो नमक से खा, नमक के थे इनके, तो इनको तो अच्छा लगाऊंगा। तो देखिए गाइस, खाना खाने के 1 घंटे बाद मैंने ले लिया है गर्म पानी, जो मैंने वेट लूज ड्रिंक बनाए रखी है ना, मैंने वो ही ली है, ग्रीन टी नहीं ली है आज।
तो गाइस शाम के बज गए हैं 5 और मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। बिना नमक का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार सोच रही हूँ चाय बना लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि जब से मैंने 32 बार शुरू किया है ना, मैंने एक भी चाय नहीं ली। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने एक भी चाय नहीं ली है। तो सोच रही हूँ अपने लिए गुड़ की चाय बना लूँ, फिर सोच रही हूँ चल छोड़ क्या चाय बनाऊं। और ये चीला मैंने बनाया था ना दोपहर में, बिना नमक के खाया नहीं गया था, आधा ही खाया था मैंने। तो मैं इसको सोच रही हूँ इसको खा लूँ थोड़ा थोड़ा सा। नमक का ना अच्छा नहीं लग रहा है मुंह में, ऐसा लग रहा है पेट में तो लग नहीं रहा है कुछ भी, मुंह में ऐसा लग रहा है जैसे हम व्रत रखते हैं ना, तो जब बिल्कुल फीका फीका सा हो जाता है ऐसा लग रहा है। तो देखती हूँ मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। और मैं सोच रही थी पता है क्या, ये ना मैंने बिना नमक का बचा लिया था, मैंने कहा चलो शाम का टाइम मैं एक हल्का सा बना लूंगी वही खा लूंगी शाम के टाइम, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है अब, तो मैं इसमें ही डाल देती हूँ, बच्चों के लिए ही बना दूंगी इसको। बच्चों के लिए बना दूंगी बाद में। भैया टीवी की आवाज कम कर ले बोलू। चलो देखते हैं कुछ तो खाएंगे, क्योंकि हल्की फुल्की सी भूख लग रही है। तो देखिए गाइस बहुत सोचा मैंने क्या बनाऊं मैं क्या बनाऊं, तो फिर मैं ना यहाँ मूंगफली भून रही हूँ अपने लिए, ये कच्ची मूंगफली है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी मूंगफली भून लेते हैं, और सोच रही थी थोड़ी सी चाय बना लूँ, फिर मैंने चाय भी नहीं बनाई थी, मैंने कहा नहीं चाय नहीं बनाऊंगी, बस मूंगफली। और मैंने अपनी ग्रीन टी ले ली है, तो बस मैंने ग्रीन टी बनाई है और ये है मूंगफली, तो बस यही खाऊंगी मैं और इंजॉय करूंगी इसको शाम के टाइम। तो गाइस अब आ जाता है शाम का टाइम, शाम के खाने का नंबर आ गया है। तो मैंने सबके लिए आलू बैंगन की सब्जी बनाई है और रोटी बनाई है, और देखिए मैंने अपने लिए क्या बनाया है स्पेशल सा। तो मैंने अपने लिए ले लिया है दूध, 1 कप दूध लिया है मैंने गरम दूध, और 1 रोटी ली है, और मैंने ना आज घी लगा लिया था, और लिया है गुड़। तो बस मैं आज यही खाऊंगी, गुड़ रोटी और दूध। देखिए गाइस आज की मेरी ये थाली दूध और रोटी, बच्चों को मैंने खिला दिया है खाना, आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी और अब मैं खाती हूँ। टीवी की आवाज़ कम, तो चलिए मैं खा लेती हूँ, खाने के बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो गाइस खाना खा लिया है मैंने, और मैंने ना पहली बार गुड़ रोटी खाई है, अच्छी लगी है, पेट भर गया एकदम। और ये देखो गोलू, और आपने ना गोलू के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे कि गोलू की नज़र उतार दो, मैंने कल उतारी थी इसकी नज़र, ये देखो आज ये ठीक है, खाना भी खाया है इसने और खेला भी है थोड़ी देर, है ना गोलू, खाना खाया है इसने सही से, नहीं तो ये ना खाना भी नहीं खा रहा था, 2-3 टाइम हो गया था इसको ऐसे ही कि आधी आधी रोटी खाता था बस ऐसे ही, तो आज इसने सही से खाना भी खाया है। हो जाता है बच्चे को, अपनी ही नज़र लग जाती है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं अपने ही नज़र लग जाती है। और परी धो रही है आज बर्तन, आज मैंने उसको बोला, मैंने कहा बर्तन दो, मैंने अभी खाना खाया है, थोड़ी सी ना मुझे वो लग रही है आज, एकदम थकान सी लग रही थी, जैसे व्रत में लगता है ना शाम को खाना खाने के बाद, तो ऐसा ही लग रहा था। तो मेरा तो बहुत अच्छे से हो गया आज सॉल्ट फ्री डे, तो अगर आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। तो आपको ना बिना नमक के रहना है बस, बाकी कुछ भी खा सकते हो, बस नमक अवॉइड करना है। और अभी बस मैं खाना खा लिया, जैसे मैंने कितने बज रहे हैं 9:15 बज रहे हैं, और बस मैं आप सोते टाइम पीऊंगी ग्रीन टी, और फिर मेरा डे हो जाएगा कंप्लीट, और फिर कल से अपना फिर वही रूटीन चलेगा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो का एंड भी करती हूँ, कल फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बोलोगे कुछ? गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट, ठीक है, बाय बाय।